Hello, children. We have already recited the poem Malu Bhalu in our previous video. Today, we are going to practice its exercise questions. So, let's begin. First, we will do the question answers. Number 1 Where did the polar bear live with her family? The polar bear Malu Bhalu. Where did she live? Answer The polar bear lived in an icy lair with her family. She lived in an icy lair. Number 2. What did Malu learn to do from her parents? Malu ne apne parents se kya Answer Malu learned to catch small and big fish. She learned all the things her parents knew. जो जो चीज़ें उसके पेरेंट्स जानते थे वो सब मालू ने अपने पेरेंट्स से सीखा लाइक कैचिंग स्मॉल एंड बिग फिश नंबर थ्री वेयर डिड दी मालू वॉन्ट टू ट्रैवल मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी आंसर इज मालू वॉन्टेड टू ट्रैवल बियॉन्ड दी ब्लू स्काई नंबर फोर वॉट वॉज इट दैट मालूस पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न लेकिन ट्रैवलिंग से पहले मालू के पेरेंट्स क्या चाहते थे कि उसे क्या सीखना चाहिए आंसर मालूस पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न हाउ टू स्विम नाउ नंबर फाइव वॉज मालू केयर टू स्विम डिड शी लर्न ईजीली क्या मालू को डर लगा था स्विमिंग से क्या उसने इजिली सीख लिया येस मालू वॉज स्केय टू स्विम बट सून शी लर्न टू स्विम इजिली इनिशियली मालू वॉज स्केर्ड बट एट द एंड शी ओवरकेम हर फीयर एंड डाउट्स एंड शी लर्न स्विमिंग नंबर सिक्स रीड द लास्ट टू स्टैंड ऑफ द पोएम डज शी स्टैंड फॉर इन बोथ हमें पोएम के लास्ट टू स्टैंडा पढ़ने हैं और बताना है कि उसमें शी कौन है दिस इज सेकेंड लास्ट स्टैंडा ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर मालू स्वैम विद ऑल हर माइट। इट डेंट मैटर रॉन्ग और राइट इन दिस स्टैंडा शी स्टैंड फॉर मालू यहाँ पर शी का मतलब है मालू डाउट एंड फियर शी लेफ्ट her तो इनिशियली डाउट किसको था डरा हुआ कौन था स्विमिंग से मालू तो यहाँ पर शी का मतलब है मालू नाउ लेट्स the द लास्ट but बट स्विमिंग so नेचुरली her न्यू दिस एंड ऑल कुड सी see fearless वॉज मालू दिस शी न्यू नॉट जस्ट प्रे बट स्पेशल टू कि मालू फेयरलेस है ये उसको पता था किसको पता था उसकी मदर को सो इन लास्ट स्टैंडा शी स्टैंड फॉर हर मदर इन द फर्स्ट स्टैंडा शी स्टैंड फॉर मालू इन द शी स्टैंड फॉर मालूज मदर नाउ राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू कैरेक्टर स्केच क्या होता है कि हम एक ऐसे लिखते हैं एक पर्सन के बारे में या एक एनिमल के बारे में जिसमें हम उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा दिखता है उसका बिहेवियर कैसा है उसका नेचर कैसा है इसको हम कहते हैं कैरेक्टर स्केच तो यहाँ हमें मालू भालू का कैरेक्टर स्केच लिखना है क्योंकि इस पोएम में हमने मालू भालू को अच्छे से जान लिया है सो लेट्स राइट हियर वी हैव सम ऑफ द हिंट्स लाइक मालूस हेयर वॉज वाइट ये उसकी अपेयरेंस के बारे में है दिस इज ट्रू मालू न्यू हाउ टू स्विम क्या मालू को पता था स्विमिंग कैसे करनी है नो दिस इज फॉल्स मालू वॉज प्लेइंग विद पेंगविन्स कि वो पेंगविंस के साथ खेलती थी नो मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश येस ट्रू मालू वॉज अ ब्रेव भालू शी वॉज ब्रेव करेक्ट मालू डिड नाट लव हर मदर नो दिस इज नॉट ट्रू दिस इज़ फॉल्स मालूज मदर वॉज फर्म येस ट्रू फर्म मीन्स कि वो जो सिखाना चाहती थी वो उन्होंने ठान लिया था कि वो मालू को ये सिखाएंगी और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया अब यहाँ कैरेक्टर स्केच के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं इन ब्लू कलर लाइक ब्रेव स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग ईगर टू लर्न मोर स्मार्ट कैरिंग इम्पेशेंट फीमेल अफैक्शनेट बोल्ड प्लेफुल वाइट एडवेंचरस क्लेवर यंग फेयरलेस इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मालू की अपियरेंस को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसी दिखती है कुछ है जो उसके नेचर को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसी है तो इनको यूज़ करके हम मालू भालू का एक कैरेक्टर स्केच अभी लिखेंगे Malu was a female bear. She was young. Her hair was white and bright. We mein read the first stanza. Her mane was snow white, snow bright. She was clever and learned to catch fish. She was adventurous. She was impatient to go far away from home. But she did not know how to swim. Her mother taught her how to swim. She soon learned to swim naturally with her mother. Now, practice the exercise questions yourself. Thank you and have a nice day.